हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ईग और मैगी से एक नाश्ता। तो चलिए बताती हूँ इस नाश्ते को हम कैसे बनाएंगे और क्या क्या चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले एक शिमला मिर्च को इस तरीके के पीसेज में हमने कट किया है और यहाँ पे पत्ता गोभी थोड़ा सा हमने कट कर लिया है और एक टमाटर हमने इस तरीके के पीसेज में कट किया है और मिर्च और धनिया है और ये हमने लिया है मैगी। तो आप कोई सा भी अपने पसंद के हिसाब से एपी या मैगी कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई को गरम करके उसमें हमने 1.5 कप पानी डाला हुआ है और इसे बॉयल होने देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पानी बॉयल हो चुका है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे मैगी मसाला को और उसके बाद से इसमें हम डाल देंगे मैगी। और मैगी को हमने 4 टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ लिया है और अब इसे चलाते हुए हम इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसे 2 मिनट तक पकाने के बाद ये मैगी बिल्कुल अलग हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम जो अपने वेजिटेबल रखे हुए हैं उसको हम डाल देंगे इसमें। और आप देख सकते हैं बिल्कुल मैगी को हमने अलग अलग कर लिया है। अब इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें मैं ऐड कर देती हूँ पत्ता गोभी। और आप देख सकते हैं इस तरीके के लंबे पीसेज में हमने कट किया है पत्ता गोभी को। उसके बाद से शिमला मिर्च इसमें हम ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं शिमला मिर्च भी ऐड कर दिया हमने। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है आप ऐड कर सकते हैं, ना पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसे चला करके हम 2 मिनट तक इसे पकाएंगे। जब तक इसका पानी सूख ना जाए तब तक हमें इसे कुक करना है। तो 2 मिनट के बाद चलिए देख लेते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बिल्कुल मैगी और जो वेजिटेबल हमने डाला है सब गल चुका है और पानी भी इसका बिल्कुल सूख गया है। तो अब गैस को ऑफ कर देंगे हम और उसके बाद से एक बॉल लेंगे और इस बॉल के अंदर ये हमने लिया है एग। तो चलिए एग को इसमें तोड़ लेते हैं सबसे पहले। तो इस तरीके से हम एग को तोड़ लेंगे। और फ्रेंड्स, आप एग या वेजिटेबल या मैगी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको जिस क्वांटिटी में बनाना है। तो हमने यहाँ पे एग को तोड़ लिया है। चलिए इसे इसमें कुछ और मसाले ऐड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले मैं नमक ऐड करूँगी क्योंकि मैगी और वेजिटेबल में हमने नमक नहीं ऐड किया था, तो उस हिसाब से। उसके बाद से इसमें मैं पाव भाजी मसाला 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ और यहाँ पे काली मिर्च और जीरा पाउडर डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून। उसके बाद से एक बारीक कटा हुआ हरी मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ और उसके बाद धनिया पत्ता। और इसे हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अंडे को फेंट लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अंडे हमने फेंट लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम मैगी और वेजिटेबल जो बॉयल किया है हमने उसे ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने वेजिटेबल और मैगी को अंडे के अंदर डाल दिया है। अब इसे हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमने एग के अंदर इसे मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इसे हमने मिक्स कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। और इस तरीके से चलाते हुए अच्छा से मिक्स करना है इसे ताकि अंडे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलाते हुए हमने बहुत बढ़िया से इसे मिक्स कर लिया है। अब गैस ऑन करके हमने रख दिया है पैन और इसमें थोड़ा सा हम बटर डालेंगे और गर्म होने देंगे पैन को। बटर को फैला लेंगे इस पर और पैन को गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पैन बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो इस तरीके से इस पर हम एक चम्मच के मदद से वेजिटेबल को रखेंगे और फैला देंगे। साइज अपने हिसाब से आप बनाएं, छोटा या बड़ा, जिस तरीके की साइज आपको चाहिए। इस तरीके से एक पराठे के ऑमलेट कह सकते हैं उस शेप में हम इसे फैला देंगे। और 1 से 1.5 मिनट हमें एक साइड पकाना है इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद एक चम्मच के मदद से इसे हम पलट लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली तैयार हो जाता है बनके। तो हमने इसे पलट लिया है और दूसरे साइड भी हम 1 से 1.5 मिनट तक इसे पका लेंगे। और थोड़ा सा हम इधर बटर या ऑयल कुछ भी डाल देंगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा मात्रा में, ताकि नीचे की साइड भी अच्छे से सिक जाए।
तो फ्रेंड्स इसे प्रेस करते हुए हमने इसे सीख लिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, और बिल्कुल ये बन के रेडी है। तो चलिए इसे सर्व कर लेती हूँ। और इसी तरीके से हम सारे अपने ईग मैगी पराठे को तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बन के रेडी है, इसी तरीके से हम सब बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, देख सकते हैं हमने सारे पराठे तैयार कर लिए हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत जल्दी बनता है और बच्चे के लिए बहुत हेल्दी भी है। तो ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएँ। थैंक यू।